Recording. Okay. एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखते हैं जरा। इसमें ये दे रखा है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड माइनस वन आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आधों को ये भी नहीं समझ में आया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी मैं कैसे प्रूव करूंगा कि वो वर्टिसेस राइट ट्राइंगल के हैं। तो बता देता हूँ, देखो हमने ये कहा कि ये कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। ए क्या दे रखा है, 4.4, बी है 3.5 और सी है -1.-1। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो हम क्या करते, ये जो ए बी है ए बी का स्क्वायर निकालते, बी सी का स्क्वायर निकालते और ए सी का स्क्वायर निकालते। अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो मैं ये बोल देता कि पाइथागोरस थ्योरम इज गेटिंग सेटिस्फाइड हियर, देयर फॉर द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल, हम ये बोल देते। अब ये कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि आप क्या करें, आप ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो और ए सी का स्लोप निकालो, और अगर इन तीनों में से किसी दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। -1 ये होता है ना कि जैसे दो लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के बराबर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो दो लाइंस जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर दो लाइंस, तीन लाइंस में से दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो वो राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि पहले मैं एक एक करके पहले ए बी का स्लोप निकालता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, इसको बोल दीजिए बेटा m1। तो ये किस तरह से निकाला जाता है, y2 - y1 / x2 - x1। तो a है और b है, a को बोल दो x1 y1, b को बोल दो x2 y2। तो y2 - y1 मतलब 5 - 4 अपॉन x2 - x1 मतलब 3 - 4। 5 - 4 = 1, 3 - 4 = -1। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि तरीका शॉर्ट क्या पड़ेगा आपको, आपको तो यही है ना कि आप फटाफट फटाफट स्लोप निकालो। देखिए वो ग्राफ वाला मेथड आप जानते हैं, ग्राफ में तो आप क्या है कि आप प्लॉट करोगे आपको दिखाई दे जाएगा राइट ट्राइंगल है, ठीक। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड भी जानते हो, ये नया मेथड सीखते हैं ना आप, ठीक। वो दो मेथड तो आपको पता ही है, आप इनको अगर प्लॉट करोगे तो वो राइट ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखिएगा, मैं ए बी का स्लोप निकाल लिया, मैंने बी सी का स्लोप निकालता हूँ, बीसी का स्लोप हो गया m2। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 - y1 मतलब -1 - 5 अपॉन x2 - x1 मतलब -1 - 3। -1 - 5 कितना हो गया, -6। -1 - 3 कितना हो गया, -4। माइनस से माइनस कट गया, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो दिस इज 3/2। फिर हम करेंगे स्लोप ऑफ सी, ए बोल दो या ए सी बोल दो, एक ही बात है। मैंने ए सी बोला तो ए को चाहे तो x1 y1 मान लो और सी को x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उल्टा भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप सेम आएगा। हमने कहा ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 - y1 मतलब -1 - 4 अपॉन x2 - x1 मतलब -1 - 4। -5 अपॉन -5 क्या आ गया, +1। तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो हमारा -1 है m1 और ये जो m3 है ये +1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे सिंस m1 * m3 = -1, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल
एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल कहां पर बनेगा, राइट एंगल डेट देयर फोर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल डेट, बताइए ये पर ना, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या है कि हमारा दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और ए सी में ए कॉमन है, तो राइट एंगल एट ए, समझ गए। तो इसका मतलब ये हमारा राइट ट्राइंगल है, एक एंगल आ गया ना 90 डिग्री, बस राइट ट्राइंगल में यही होता है। उसके बाद अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑनलाइन में। किसी भी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला देखते हैं डाउट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इन्होंने कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली, इसके साथ एक लाइन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से मेजर करके 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो आप ये वाला इसको बोल दो ओ, इसको बोल दो ए, तो लाइन ओ ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, लाइन ओ ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, लाइन ओ ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, बताओ। बिल्कुल सही, जब ये इसके साथ वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो एक्स के साथ कितना बनाएगी, 60 डिग्री, और हमें यही वाला लेना होता है, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो 60 डिग्री हो गया। देयरफोर इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ ओ ए, ये जो लाइन ओ ए है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टैन 60 डिग्री यानी कि √3। टैन 60 डिग्री मतलब √3, ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। बताइए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट, सभी को आ गया समझ में। अरे ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है, अभिनव, अंश, अर्पिता, आस्था, दीपांशी, यस सर, देवशी, यस सर, ठीक है, ठीक यस सर, है जी। अच्छा हाँ एक चीज और बता देता हूँ, स्लोप जो है वो रेशियो होता है, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 7 तुम्हारा डाउट था, तुम्हारा 11th और 12th। अगला डाउट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। अच्छा एक लाइन ये है ए बी, एक लाइन ऐसे बना लो, ये हो गई सी डी, ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं। अब इन्होंने बोला द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, लेट द स्लोप्स बी m1 एंड m2, जो स्लोप्स हैं उसको हमने m1 और m2 मान लिया, ठीक है। एज पर क्वेश्चन
एक लाइन का स्लोप दूसरी वाली लाइन के स्लोप का डबल है। एज पर क्वेश्चन m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, तो ये जो AB है, AB का स्लोप m1 है और CD का स्लोप क्या हो गया m2, m1 और m2, रिलेशन दोनों में m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 है। अब वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ये दोनों स्लोप्स ही निकालने हैं, m1 और m2 ही निकालना है, और एक कंडीशन और दी है इन्होंने, इन्होंने बोला इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए ये वाला, वैसे तो ये वाला भी एंगल है पर कोई बात नहीं, मैंने ये वाला एंगल मान लिया, इसको मैंने थीटा बोल दिया। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ए बी और सी डी के बीच में बेटा एक एंगल ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, आपकी मर्जी है कोई सा भी ले लो, मैंने ये ले लिया थीटा। और टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम का मतलब क्या है, टैन थीटा, टेंजेंट मतलब टैन, तो टैन थीटा, इस टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा 1/3, ठीक है। अच्छा, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है टैन थीटा वो क्या होता है बताओ, मॉडुलस m1 - m2, फॉर्मूले याद कर लो, आप लोग ब्लैंक बैठ जाते हो बिल्कुल, 1 + m1 m2 इसका मॉड इज इक्वल टू 1/3। अब m1 और m2 मैं क्या चाहता हूँ इसमें कि m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2m2, तो आप m2 के टर्म्स में ही लिख दो, नहीं समझे, ये फॉर्मूला है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, एक लाइन ए बी है एक लाइन सी डी है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा उसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ठीक है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 ये तो गिवन है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइन्स हैं तो दो लाइंस के बीच में है ना, तो m1 - m2 / 1 + m1 m2 का मॉड इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब हमारे पास तो m1 और m2 दोनों ही अननोन है, तो m1 की वैल्यू पहले यहाँ पर डाल दो, m2 ट्वाइस ऑफ m2, सॉरी ट्वाइस ऑफ m2 - m2 / 1 + m1 की जगह फिर डाल दो m2, 1 + m1 की जगह 2m2 * m2 मॉड इज इक्वल टू 1/3। मैंने एक चीज आपको लास्ट टाइम बताई थी, अगर मॉड के अंदर अननोन क्वांटिटी होती है ना तो मॉड हटाने के लिए रिजल्ट को प्लस माइनस के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, तो 2m2 - m2 क्या हो जाएगा, m2 upon 1 plus 2m2 into m2 क्या हो जाएगा, 2m2 square, 1 plus 2m2 square इज इक्वल टू +/-1/3। दोबारा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वैसे तो मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, जब भी मॉडुलस के अंदर अननोन क्वांटिटी होगी, अननोन है ना m2, m2 मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जब भी अननोन क्वांटिटी होगी तो मॉड जब मैं हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड पर जो भी टर्म है वो उसके आगे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक केस बन गया m2 upon 1 plus 2m2 square इज इक्वल टू 1/3, और m2 upon 1 plus 2m2 square इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, दो केसेस हैं। जब इसको लेकर चलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 1 plus 2m2 square इज इक्वल टू 3m2, इसको इधर ले आओ, तो 2m2 square - 3m2 + 1 इज इक्वल टू 0, ये इतना हो रहा है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2m2 square, ये 2 1 में मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग, नहीं समझे अभी तक, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, 2m2 square - 2m2 - 1m2 + 1 इज इक्वल टू 0, -2m2 और -1m2 क्या हो जाएगा -3m2, और -2 into -1 किसके बराबर हो जाएगा +2, तो 2 into +1 करके भी तो +2 ही आ रहा है, वही काम कर रहे हैं जो हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ वही, क्या हो गया। अरे तो देखो भाई, घूरो मत, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कोई नई चीज बता दी। चलो
अब इन दोनों में से मैंने 2m2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m2 माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन लेके m2 माइनस 1 ही बचे, -1। तो m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, 2m2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया m2 इज इक्वल टू 1/2, और यहां से हो गया m2 इज इक्वल टू 1। m2 की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इंटू -1 -1 प्लस 2m2 स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू 3m2। अब जब इसको करेंगे तो -1 -2m2 स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आओ तो -3m2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रुको, अभी अब इस -1 को उधर ले जाओ तो यहां क्या बचेगा मेरे पास बेटा, 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ये अंतर है, यहाँ 2m2 स्क्वायर प्लस 3, मतलब तीनों टर्म प्लस के हैं, और यहाँ पर जो टर्म्स थे वो किसके थे, माइनस का था बीच वाला। तो सॉल्व करेंगे तो 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस 1m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर आप करते रहना, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पर m2 की वैल्यू एक तो आएगी -1/2 और एक आएगी -1, ठीक है। m2 की वैल्यू है तो -1/2 आएगी या -1 आएगी, ठीक। अब आप ये कहेंगे भाई ये अलग अलग कैसे आ रही है स्लोप्स की वैल्यू, तो अलग अलग स्लोप्स की वैल्यू इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने थीटा ये लिया है, अगर ये वाला थीटा लेंगे तो वो वैल्यूज जो है वो अलग आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक वैल्यू लेकर चलो, मान लीजिए मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, तो मैं पहले केस वन की बात करता हूं, केस हमसे उन्होंने थीटा वीटा तो पूछा नहीं कुछ, उनसे तो उन्होंने सीधा सीधा ये पूछा है दोनों के स्लोप्स बताओ। तो केस फर्स्ट को अगर लेकर चलें तो m2 1/2 इट इम्प्लाइज दैट m1 क्या ट्वाइस ऑफ m2, 2 इंटू 1/2, तो m1 कितना हो गया 1। केस वन में ही हमने देखा था कि m2 की वैल्यू 1 भी आ सकती है, तो अगर m2 की वैल्यू 1 है तो m1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m2 यानी कि 2 इंटू 1, m1 हो गया 2। यहां तक समझ गए, ठीक है। अच्छा केस सेकंड देखो, ये सेकंड में m2 है -1/2, बिल्कुल बताता हूं अभी क्यों। m2 की वैल्यू अगर -1/2 है तो m1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ओके ऑफ -1/2, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक। फिर आप ये देखिएगा कि m2 की दूसरी वैल्यू जो है वो है -1, तो यहां से m1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो हमारा m2 है, m2 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो 1/2 या -1/2, या तो 1 या फिर -1। m1 की वैल्यू या तो +1 या -1, या +2 या -2। तो m1 इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1 या -1, +-1 और +-2,
और एम टू की वैल्यू क्या हो सकती है, एम टू की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 1, समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है, बताइए जी, क्लियर। और कौन सा था, 12th? हाँ 12th ना, ठीक है। चलिए जी, इतना नोट करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए जी, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, अ लाइन पासेस थ्रू एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एच कॉमा के। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, शो दैट के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन। एक लाइन है, एक लाइन है ए बी, ये पास कर रही है दो पॉइंट से। ये जो दो पॉइंट्स हैं, क्या दे रखे हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन, और एच कॉमा के, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये कितना दे रखा है, स्मॉल एम के बराबर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, और स्लोप अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं उस लाइन पर, वही दो पॉइंट्स हमारा, मतलब स्लोप के लिए वही दो पॉइंट सफिशियंट है। तो कैसे निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मेरे लिए एक्स टू वाई टू हो गया, ये एक्स वन वाई वन हो गया। तो के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन, हो गया प्रूफ। और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, विदुषी, शिवांश, पार्थ, हर्षिता, बताइए सर, बताइए, हर्षित, दिवस, देवशी, दीपांशी। हाँ हर्षिता, यस डाउट है सर, कोई, बताओ, कोई नो डाउट सर, है? अच्छा चलिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा इसके क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के।
फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आपको लगे, फिर भी अगर लगता है तो आप बता देना, कोई भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन भी बताओगे तो भी कर लेंगे। अब मेरे को अगला जो है वो यहां पर आप ना एक काम करना, हेडिंग डालिए, ये सारा मिटा रहा हूं मैं। हमारे पास क्या होता है कि जैसे स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन आपने एक ना चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, वो चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करने लगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सर्कल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, अब लाइन से रिलेटेड जो हमने 10th क्लास में करा है वो एक तो लीनियर इक्वेशंस करी है, और लीनियर इक्वेशन में भी आपने ना 2-3 क्राइटेरियाज देखे होंगे 10th में, कि जब हमको ये निकालना होता था कि कोई दो पेयर ऑफ लाइन दे रखी, मतलब पेयर ऑफ लाइन का मतलब दो लाइन ही तो है, तो दो लाइन्स आपको दे रखी हैं, तो उसमें ये बताते थे कि जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके बाद ये लिखा हुआ रहता था कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद ये था कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और एक ये था कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो उसमें ये था कि लाइन्स आर ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि ये जो लाइन्स है ना लीनियर इक्वेशन की, अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और इक्वेशन अलग अलग तरीके की होती हैं, तो वो 5-6 टाइप की इक्वेशंस हैं वो मैं देखूंगा एक साथ, तो आप लोग नोट करें लाइन से, मैं ये सारा मिटा रहा हूं। हेडिंग डालिएगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये वाई डैश, ये एक्स डैश, एक लाइन ऐसे दे रखी है, और ये डिस्टेंस दे रखा है ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन क्या है कि देखिए ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन को मैं वर्टिकल लाइन बोलूंगा या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाएगा। फिर भाई कितनी दूरी पर है उससे, बी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें आप क्या कोई भी सीधी सीधी ये बात बताइए कि क्या कोई एक्स की फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों, एक्स की कितनी वैल्यूज है, न जाने कितनी सारी वैल्यूज है, लेकिन वाई की एक फिक्स वैल्यू है कि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस से बी यूनिट्स की दूरी पर है, तो वाई की एक फिक्स वैल्यू हो गई, वाई इज इक्वल टू बी, यही इसकी इक्वेशन होती है। दूसरा इसी में वाई वाई डैश, ऐसे ही एक्स और एक्स डैश, ये हो गया। एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। ये कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगी या वर्टिकल? ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से या ओरिजिन से कह दीजिए कितनी दूरी पर है, मान लीजिए स्मॉल ए, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए। तो जो भी इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी लाइन की इक्वेशन किस तरह की बनेगी? वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट ही तो है, और जो भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सेकेंड नोट करेंगे, सेकेंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, और हम नाम से ही चीजों को समझते चलेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक्स वाई ओरिजिन। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेकर चल रहा हूँ। लाइन तो हम कहीं भी बना सकते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए समझाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चल रहे हैं, कहीं पर भी बन सकती है वैसे लाइन, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे को एक लाइन दे रखी है ऐसे, इसको मैंने बोल दिया ए बी, इस लाइन का स्लोप मुझे गिवन है एम, और ये लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रही है, मान लीजिए इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है x1, y1। तो मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास स्लोप है। अगर मुझे पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये तब है, हमको इस चैप्टर में पूछा क्या जाएगा, हमको इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा कि हमको ना कुछ भी वैल्यूज दे रखी होंगी, उन वैल्यूज की हेल्प से मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा। अब जो आगे की एक्सरसाइज है, जो इस चैप्टर का जो मेन जो जिस्ट है वो इसी चीज में है कि हमसे ये पूछा जाएगा कि आपको कुछ भी वैल्यूज दे रखी होंगी, उन वैल्यूज के हिसाब से आपको ये इक्वेशन बनानी होगी लाइन की, ठीक है। लाइन की आप किसी भी मेथड से इक्वेशन बनाए, इक्वेशन सेम बनेगी, इक्वेशन अलग नहीं हो सकती। फॉर्म्स अलग अलग हैं लेकिन इन फॉर्म्स की हेल्प से भी आप सेम नतीजे पर पहुंचेंगे, इक्वेशन सेम बनेगी, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे एक पॉइंट दे रखा है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन का स्लोप ये है, तो बहुत है मेरे लिए, पॉइंट और स्लोप मिल गया, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। थर्ड फॉर्म लिखें, थर्ड फॉर्म है, हाँ जी बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद थर्ड लिखें टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सेस है, और सोचिए ये मेरे को एक लाइन दे रखी है ए बी। अब मेरे को क्या दे रखा है, क्या दे, कौन सी फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म, मतलब ये लाइन जिन दो पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं वो दो पॉइंट्स मेरे को गिवन है। तो एक पॉइंट मानो एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट मानो एक्स टू कॉमा वाई टू। तो मेरे पास अब क्या है, कोई स्लोप नहीं है, मेरे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या कोई मैंने नई चीज बता दी आपको, वही है ना, क्या वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। भाई यहां पर मेरे को स्लोप दे रखा था, यहाँ स्लोप नहीं दे रखा तो क्या हो गया, दो पॉइंट तो दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये सेम बात है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो टू पॉइंट फॉर्म बोलो या पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलो, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मेरे लिए ये एक जो नया टर्म आया है इंटरसेप्ट, मैं नहीं जानता इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है अभी बताते हैं क्या होता है। कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को काटती है ना कहीं पर, ये चलो एक्स एक्सिस वाला बताऊंगा अगली फॉर्म में, अभी वाई एक्सिस की बात करते हैं। कोई भी लाइन किसी भी कोई भी लाइन जो है वो जब वाई एक्सिस को काटती है तो उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर काट रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ ये ए बी जो है ये यहाँ पर इस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम सी, स्मॉल सी, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अगर इसी तरह से ये लाइन की मैं बात करूं यहाँ पर के, यहाँ पर अगर ये काट रही है तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो दैट विल बी कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट किस लाइन के अलोंग करा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करा जा रहा है वाई लाइन के अलोंग, वाई एक्सेस के अलोंग, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ये लाइन एक्स एक्सेस को इस पॉइंट पर काट रही है, समझ रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेकर और यहां तक ये भी इंटरसेप्ट कहलाएगा, लेकिन मैं किस एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस के, दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट में इंटरेस्टेड हूँ, अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। तो एक तो इंटरसेप्ट अगर मुझे दे रखा हो, सी इंटरसेप्ट दे रखा हो, इंटरसेप्ट को कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है इसलिए सी बोल दिया, इंटरसेप्ट दे रखा हो और साथ में दे रखा हो इस लाइन का स्लोप, स्लोप है एम। तो इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, इंटरसेप्ट जो टर्म है वो नया है, तो दोबारा देख लीजिए कि जब भी मैं कहता हूं कि कोई भी लाइन है, यहां पर देखिए ये x एक्सिस कोई लाइन नहीं है, ये y एक्सिस कोई लाइन नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सीज है, ठीक है। मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं इस लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्टेड हूँ, ए बी की इक्वेशन में।
हमसे तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, लेकिन टारगेट जो है वो एक ही होगा कि आप इक्वेशन बताएं, लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, तो इक्वेशन मेरे को कैलकुलेट करके बतानी होगी। तो मेरा आंसर यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं आएंगी, कोई नंबर्स नहीं आएंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व करा उसका आंसर आ गया 22 है जी, इसका आंसर 23 है, तो ये नहीं आएगा। जो यहाँ पर हमारे आंसर्स होंगे, आंसर में इक्वेशन होगी, ठीक है, आंसर में इक्वेशन होगी, इक्वेशन ही पूछी जाएगी हमसे कि इक्वेशन बनाकर बताइए। तो अगर मान लीजिए कहीं पर मेरे को स्लोप दे रखा है, तो यानी कि एम गिवन है, और साथ में वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो लाइन है ए बी, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ये जो लाइन ए बी है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट से काटेगी वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब इसी तरीके से अब ऐसी इक्वेशन है जिसमें मेरे को वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन में हमारे पास एक्स और वाई आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू दे रखी होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो वाई वन की वैल्यू पता होगी, एक्स वन की वैल्यू पता होगी और एम की पता है, तो एम एक्स वन वाई वन ये पता है ना मेरे को, बाकी एक्स और वाई तो इक्वेशन में आएगा, ठीक है, तो एक्स और वाई एज इट इज लिखा जाएगा। दूसरा देखो टू पॉइंट फॉर्म में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो ये कोई वैल्यू होंगी, फॉर एग्जाम्पल सोचो 2 3 7 8 कुछ भी वैल्यू, तो उसको इस इक्वेशन में एज इट इज डाल देना और फिर बता देना दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बस। तो वहां पर भी आप ये देखिए वाई वन वाई टू वाई वन एक्स टू एक्स वन एक्स वन ये तो सब कुछ है, लेकिन एक्स और वाई एज इट इज आएगा इक्वेशन में, ठीक है ना। इक्वेशन जैसे आप ये देखिए कोई भी इक्वेशन होती है तो कैसी होती है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, तो 2 है कॉन्स्टेंट, 3 है कॉन्स्टेंट, 6 है कॉन्स्टेंट, लेकिन एक्स और वाई तो उसमें आता है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू कोई बच्चा ना पूछे कि सर एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स और वाई की टर्म्स में ही हमारा आंसर आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सबको क्लियर है, यस यस सर यस यस सर, सर ठीक है जी। अच्छा, और ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सब इक्वेशंस को हम डिराइव कर सकते हैं, इन सब इक्वेशंस को हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, होता तो मैं आपको करा देता, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक। कभी किसी दिन अगर मन करे करने का तो करा देंगे, ठीक है, फ्री टाइम में कभी अगर मन करे तो बता देना। जनरली जब 11th क्लास खत्म होती है तो बच्चे 12th क्लास से पहले कुछ बेसिक्स पूछने आते हैं, उसमें मैं बता देता हूँ वो सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि 11th का वेटेज है ठीक ठाक आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इसलिए, और उसमें स्ट्रेट लाइंस का भी ठीक ठाक वेटेज है। अगला लिखेंगे, ये फोर्थ फॉर्म थी, फोर्थ फॉर्म के बाद में लिखेंगे फिफ्थ फॉर्म। हाँ? उसको क्या बोलते हैं वो मैं अब बताने वाला हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था एक्स इंटरसेप्ट में, तो मैंने बताया नहीं, अब बताऊंगा, नोट करें। अगला फिफ्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि सिर्फ इंटरसेप्ट ही होगा मेरे पास, बिल्कुल जी हाँ, इंटरसेप्ट ही होगा हमारे पास, और कुछ नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर स्लोप था और वाई इंटरसेप्ट दे रखा था। अब सोचो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ए और बी, ठीक है। तो भैया यहां से लेकर जहां पर ये वाई एक्सिस को काट रही है वहां से लेकर और ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लो स्मॉल बी, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है वहां से लेकर और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन तक का डिस्टेंस, इसको मान लो स्मॉल ए, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि यहां पर तो वाई इंटरसेप्ट था सी, यहां पर वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बी, एक्स बी इंटरसेप्ट क्या होगा ए, ठीक है। ए तो हम ये कहेंगे कि हियर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, ठीक है, एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज
इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन. एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन. उसके बाद एक और फॉर्म लिखिए, सिक्स्थ फॉर्म आगे कर रहा हूं. नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ये वाई है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है. लाइन में बार बार एक जैसी बना रहा हूं, बाकी हर तरीके की लाइन मिल सकती है हमको, लेकिन हम एक जैसी लाइन बना रहे हैं अपना समझने के लिए. नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि ओरिजिन से उठाकर एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए रिक्वायर्ड लाइन पर. लाइन कौन सी है रिक्वायर्ड, ये ए बी, तो मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पर ऐसे. इस परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई स्मॉल पी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई स्मॉल पी, और ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ में बेटा एंगल बना रहा है ओमेगा. ओमेगा क्या होता है, जैसे ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा दो बस यहाँ से, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा दो, इसको ओमेगा बोल देते हैं. ठीक, तो एंगल्स के लिए ये ग्रीक अल्फाबेट्स हम यूज कर लेते हैं, जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, गामा, बीटा, ये सब कुछ. ठीक, तो ये हो गया ओमेगा. अब ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज x cos omega plus y sin omega is equal to small p. एक अकेली नॉर्मल फॉर्म का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में हुआ करता था कि ये डिराइव करके बताओ, लेकिन इस साल नहीं है, ठीक है, तो छोड़ रहा हूं मैं इसको. ठीक, बस इतना. तो इसमें हमको क्या दे रखा होगा, x और y की वैल्यू तो मिलने से रही, तो एक तो ये एंगल पता होगा मेरे को ओमेगा, और साथ में मुझे ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये पता होगी. ठीक, अगर नहीं दे रखी होगी तो कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशन से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे. अगली फॉर्म लिखो, किसी के दिमाग में कोई सवाल तो नहीं है, एक कॉमन सा सवाल है, हम जैसे पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि ये सवाल अभी आएगा आएगा आएगा, अभी तक आया नहीं किसी की तरफ से. हाँ हाँ, नहीं बता दो बता दो बता दो, ऐसा ही कुछ सवाल था जो आने वाला था. चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि वो क्या सवाल था जो मैं सोच रहा था कि आप लोग पूछेंगे कि सर और कितनी फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि और ये पहला बैच है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पहला बैच है जिसने अभी तक ये सवाल पूछा ही नहीं. नहीं तो हम जब ये पढ़ाना शुरू करते थे तो बच्चे ये जरूर, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो किसी ने अभी तक नहीं पूछा. मैं सोच रहा था, मैंने कहा आप पूछेंगे, अब पूछेंगे, पूछा नहीं. चलिए, ये आखिरी फॉर्म है. हाँ, जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में मैं कोई ग्राफ नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा, जनरल फॉर्म सीधा सीधा ये बच्चा बच्चा जानता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो कितनी भी इक्वेशन हो उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई सी भी फॉर्म हो. ठीक है, ये जनरल फॉर्म तो पता है ना, याद होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में का स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द जनरल फॉर्म लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. बस ये है, ये सारी की सारी फॉर्म जो है इनका रट्टा मार लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन यूं होंगे इसके, क्वेश्चन में मजा आएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए जी, ओके.
आज का होमवर्क यही है, सुन लीजिए, जिन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करी है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करो, और जितनी भी ये फॉर्म्स हैं इन सारी फॉर्म्स को लर्न कर लो, ठीक है, बस इतना। चलिए जी, ओके थैंक यू सर थैंक यू सर ओके ओके। थैंक यू सर।